माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं ना, विभाग उस पर काम कर रहा है ना, कोनो देश के प्रधानमंत्री हैं कि जो कहेंगे वही होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं ना, कोनो देश के प्रधानमंत्री हैं क्या सुधाकर सिंह, जो वो बोलेंगे वो होगा। देखिए बिहार के नए कृषि मंत्री बने सुधाकर सिंह का यह बयान आया है, जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर बिहार में कृषि विभाग को लेकर सवाल करा कर रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। इसको लेकर वर्तमान में जो बिहार के कृषि मंत्री है कुमार सर्वजीत, उन्होंने सीधा सीधा सुधाकर सिंह को आड़े हाथों लिया है। सुधाकर सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कुमार सर्वजीत ने साफ कहा है कि क्या वो कोई देश के प्रधानमंत्री है क्या, जो वो बोलेंगे वो होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कार्य कर रहे हैं और देखा जाए तो 2700 करोड़ जो है बिहार में कृषि विभाग में खर्च करने के लिए नीतीश कुमार ने दिलवाया है। तो वहीं लगातार कृषि विभाग में विकास हो रहा है, तमाम मंडियों को लेकर कार्य हो रहा है। तो वहीं कई बातें कह दिया है कुमार सर्वजीत ने, सुधाकर सिंह पर भी खूब तंज कस रहे हैं कुमार सर्वजीत। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं देखे इस वीडियो में। बस हो गया, हाथ पे नहीं दिखाइएगा। पूर्व कृषि मंत्री ने ऐसा कहा वैसा कहा, मंडी कानून की बात क्या, मंडी कानून वो जो कहेंगे वही होगा क्या। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं ना, विभाग उस पर काम कर रहा है ना, कोनो देश के प्रधानमंत्री हैं कि जो कहेंगे वही होगा। कानून अपना पहले भी मैंने आपको बताया कि 2700 करोड़ रुपये हम लोगों ने दिया है उसको जीर्णोद्धार करने के लिए, तो वही बाजार उसमें बाजार समिति का जो है, तो हम लोग उसको जीर्णोद्धार कर रहे हैं और 2700 करोड़ अभी लगाए हैं और आगे पैसा लगाएंगे। तो उसमें हम कोनो गोदाम खोलने के लिए थोड़ी बना रहे हैं उसको, कुछ ना कुछ तो कानून आएगा ना उस पर। तो अभी काम हो रहा है, उसकी हालत अच्छी नहीं थी। 2700 करोड़ रुपये हम लोगों ने दिया है उसको, देने के बाद निश्चित तौर पे उसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम चिंतित हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो आपने सुना क्या कुछ कहते वर्तमान में जो बिहार के कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत, उनका साफ कहना है कि कोई देश के प्रधानमंत्री नहीं है सुधाकर सिंह, जो वो बोलेंगे वो होगा। देखिए जो सुधाकर सिंह है वो लगातार कृषि विभाग को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे, तो वहीं जिसको लेकर कुमार सर्वजीत ने यह साफ कह दिया है कि वो कोई देश के प्रधानमंत्री नहीं है, जो बोलेंगे वो होगा। बता दें आपको कि जो पूर्व कृषि मंत्री है सुधाकर सिंह, वो लगातार कृषि कानून को लेकर बिहार में कृषि विभाग को लेकर सवाल खड़ा करते रहते हैं। तो वहीं सीधा सीधा सुधाकर सिंह का यह साफ कहना रहता है कि जो अधिकारी बैठे हैं विभाग में वो कहीं ना कहीं चोर हैं। तो वहीं लगातार बेमानी शैतानी जो है वो विभाग में कृषि विभाग में किया जाता है। कुमार सर्वजीत ने यह साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में काम हो रहा है, कृषि विभाग में लगातार कार्य हो रहा है। तो वहीं तमाम किसानों के हित में काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहे थे कुमार सर्वजीत, जो कि बिहार के कृषि मंत्री है, आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के आती है सुधाकर सिंह की तरफ से। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। बहुत बहुत धन्यवाद।